नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। मोदी जी लौटेंगे या फिर जाएंगे, इन मुद्दों से तय होगी देश का भविष्य। महंगाई, रोजगार, गरीबी जैसे मुद्दे शायद भारत के हर चुनाव में उठते रहते हैं, लिहाजा इस बार भी नरेंद्र मोदी को इन मुद्दों पर विपक्ष के सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे विषय हैं जो आने वाले चुनाव में निर्णायक साबित होने जा रहे हैं। इन्हीं चुनिंदा मुद्दों पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं जो नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी या विदाई का रास्ता तय करने वाला है। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी को ज़्यादा सूट करता है। इस बात में दोराय नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हर कार्रवाई के बाद हुए सर्वे में मोदी जी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता चला गया। लेकिन यही जो मुद्दा है वो विपक्ष के लिए उतना ही सुकून देने वाला नहीं है। अगर इसी आधार पर चुनाव होते हैं तो विपक्ष को परेशानी बढ़ सकती है। आपको बता दें कि मोदी बनाम अन्य नरेंद्र मोदी की करिश्माई छवि का ग्राफ बढ़ा है या कम हुआ है, यह बहस का विषय जरूर हो सकता है। यही कारण है कि बीजेपी का पूरा प्रचार तंत्र मोदी जी के आसपास घूम रहा है और अमित शाह उसी आधार पर चुनावी गणित बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में कई लोगों ने बीजेपी की राज्य सरकारों से नाराज होकर के वोट किया था, जो अब मोदी जी की तरफ फिर से लौट रहे हैं। यही कारण है कि बीजेपी अब पूरी तरह से प्रचार प्रसार में मोदी जी को साथ लेकर के और केवल मोदी जी के नाम पर वोट मांगेगी। 2014 में मोदी जी की जीत के पीछे गांव और किसानों का बड़ा योगदान था, लेकिन किसानों को पूरी कमाई नहीं मिलने के कारण उनकी मायूसी बढ़ती चली गई। नोटबंदी ने उनकी स्थिति और बिगाड़ दी थी। पिछले नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इसका पूरा फायदा उठाया और कृषि लोन माफ़ करने का वादा कर बीजेपी को हरा दिया था। इसी कारण मोदी सरकार ने पिछले बजट में गरीब किसानों को एक फिक्स रकम खातों में डालनी शुरू कर दी। अब यह मरहम किसानों के गुस्से को कितना शांत कर पाता है, यह तो आने वाला चुनाव तय करेगा। हालांकि बीजेपी को भरोसा है कि घर घर में शौचालय, गैस, आवास, बिजली पहुंचाकर उसने 22 करोड़ गरीबों की ज़िंदगी बदली है। बीजेपी इन बातों को मतदाताओं तक किस हद तक पहुंचा पाती है, इसी से उसका भविष्य तय होने वाला है। इसलिए आज हम एक बार फिर से गांव की ओर निकले हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे कि गांव में राजनीतिक माहौल कैसा बन रहा है और लोग सरकार को कितना संतुष्टि से देख रहे हैं। आइए जानते हैं और देखते हैं चुनाव से पहले की तस्वीर और जानते हैं मोदी बनाम अन्य में किसकी बदलेगी तकदीर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अश्विनी जी, इस समय लोकसभा चुनाव के लिए डेट निर्धारित हो चुकी है, आप क्या लगता है आपको किस तरह का एमपी होना चाहिए यहाँ पर? एमपी अपने इलाके में पहले तो कोई काम का दिख नहीं रहा जी, बाकी जो मेरे को चाहत है इस टाइम जी, मोदी जैसा राष्ट्रवादी जी काम करने वाला ईमानदार आदमी, तो जो इस एरिए को एक अच्छी तरफ से डेवलप करे जी, हर बंदे की बात सुने जी, और उसको बात करने का एक जायजा और दम हो जिसकी लोग बात सुन पाए जी। तो इस समय जो मौजूदा सरकार से कितना संतुष्ट है आप? मौजूदा सरकार में तो काम तो अच्छा कर रही है। नहीं, काम तो कांग्रेस सरकार ने भी अच्छे किए होंगे किसी समय, तो आप मोदी जी को क्यों चुनना चाहते हैं? मोदी जी और कांग्रेस में बहुत है। अच्छा, देखने में, करने में, सुनने में, हर चीज में बहुत डिफरेंस है। और इनेलो का कोई उम्मीदवार? हाँ, इनेलो इस शीर्षा के लिए अच्छी पार्टी है जी, पर उनके बिखराव के कारण जी थोड़ा जो अपने एरिया के लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे क्या करें। सर, एक कि अभी पीछे जो एयर स्ट्राइक हुआ था उसमें मोदी जी पर ये आरोप लग रहा है कि चुनाव को देखते हुए ये सब किया गया है, कहाँ तक आपको लगता है कि सेना पर जो इस समय राजनीति हो रही है वो मतलब कहाँ तक सही है? जहाँ तक रही राजनीति की बात जी, तो कांग्रेस ने भी बहुत फायदे उठाए जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी जी, तो तुरंत उन्होंने लोकसभा बंद कर दी थी जी, और राजीव गांधी को हर प्रोग्राम पे इंदिरा गांधी की डेथ को बुलाया गया
उसके बाद अच्छी सीटों से जीते जी। कांग्रेस ने भी हर जगह हर मौके पे इसका फायदा उठाया, अगर बीजेपी उठा रही है तो क्या बुरी बात जी। तो राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में अगर आपको चुनने को कहें तो आप नरेंद्र मोदी को चुनेंगे? बातों से तो यही स्पष्ट है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार जी, लोकसभा चुनाव के लिए अभी बिगुल बज चुका है, डेट फाइनल हो चुकी है, क्या लगता है आपको किस तरह का एमपी होना चाहिए आपके क्षेत्र में? तो जी, हमारे क्षेत्र में ऐसा एमपी होना चाहिए जो हमारे आम लोगों की आवाज को आगे तक उठा सके जी। बहुत से ऑप्शन है, बेरोजगारी जी, नौकरियों के लिए युवा बहुत भड़कते हुए फिर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं जी, रोजगार नहीं है जी, बेरोजगार बहुत घूम रहे हैं जी। तो उनकी देखभाल हमारे इलाके में आए, उनसे बातचीत करे, तो ऐसा हमें एमपी चाहिए आगे। तो जो एमपी होते हैं, जो पीछे एमपी बने हैं, कोई आया है यहाँ पर गांव के अंदर? कोई गांव में नहीं आया, हमें तो ये नाम भी पता नहीं हमारा फिलहाल कौन है जी। और अभी जो मौजूदा सरकार है, कितना संतुष्ट है आप इससे? उससे हम लगभग संतुष्ट हैं। तो ऐसा क्या कर दिया, कहीं आप मोदी भगत तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मोदी भगत नहीं है। क्योंकि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, जो भी मोदी जी की बात करता है उसको मोदी भगत कहते हैं लोग। ना, मोदी भगत नहीं है। हाँ। लेकिन अच्छे काम के भगत हैं हम जी। अभी जो सेना ने एयर स्ट्राइक की थी और विपक्ष जो है उस पर सवाल उठा रहा है कि ये चुनाव को देखते हुए की गई है, आपको क्या लगता है? नहीं, ये गलत उठा रहे जी। हाँ जी, ये तो देश के दुश्मन, देश के ऊपर जो भी दुश्मन बुरी नज़र से देख रहा, उनका ऐसा ही बुरा हाल, इससे भी और बदतर हाल होना चाहिए जी। जी, थैंक यू। तो ये विपक्ष वाले ये बेवजह बेतुका बयान दे रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा हुआ, इससे भी और भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के उनको अटैक करना चाहिए, उग्रवाद को ख़त्म करना चाहिए। कश्मीर के हमारे भाई लोग हैं, वो वहाँ पे ही उनके साथ ही नहीं जाती, इतना कुछ हो रहा है जी। जी, तो वो भी एक काम उसमें आने चाहिए, तो उनके खिलाफ बहुत और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो मोदी जी को मतलब कहने का है कि एक और मौका मिलना चाहिए? हाँ जी, मोदी को मौका मिलना चाहिए, वो क्योंकि और अभी 5 साल पूरे हुए हैं, इसमें उसको और जानकारी और बढ़ चढ़ के कुछ जानकारी होगी, काम करेंगे जी। आपका? मेरा नाम रतिराम है जी। रतिराम जी, अब लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और क्या लगता है आपको, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे? मुद्दे तो यही है जो मतलब अच्छे से, मतलब हर तरह का जो काम है अच्छे से हो जी, और अच्छे काम करने वाला ही कैंडिडेट हो जी, तो हम ये चाहेंगे कि भाई जो अच्छा काम करेगा उसी को हम वोट करेंगे। नहीं, अच्छे काम से क्या लगता है, मौजूदा सरकार है इससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? देखो जी, संतुष्ट तो है, ऐसी कोई बात नहीं है जी। जी, तो कुछ कमियां फिर भी पाई जाती हैं जी। तो किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए आपकी नज़र में, क्या लगता है, मोदी जी जैसा नहीं होना चाहिए? नहीं जी, मोदी जी जैसा ही होना चाहिए जी। तो कांग्रेस में है कोई ऐसा? देश के लिए जो किया है जी, जी, अपने घर की व्यवस्था या अपने आपके लिए जो व्यवस्था देखते हैं वो मोदी जी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जो देश के लिए कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। नहीं, चुनाव देश अब, से मतलब है जी, चुनाव आए हैं और एयर स्ट्राइक हुई है, तो विपक्ष तो ये बार बार सवाल उठा रहा है कि चुनाव को देखते हुए करवाई गई है, आप क्या सोचते हैं? नहीं नहीं, ये हम नहीं सोच रहे कि हमारा ऐसा कोई वो दिमाग में नहीं है, अभी चुनाव के आने से ये कुछ हो रहा है, लेकिन उनकी सोच बड़ी है, गहरी सोच है जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका सर? मुल्क आज गब्बा। गब्बा साहब, इस समय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह के मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे? मुद्दे जी, साढ़े हिंदुस्तान का मुद्दा ही मोदी है जी। अच्छा जी। कैसे? मुद्दा ये है, देखो जी, आपने जवान मरे थे जी, 13 दिन के अंदर वहाँ पाकिस्तान में जाके ठोक दिया, वाह जी, 350-400 आदमी ठोक दिया जी, आगे भी ये पाकिस्तान नहीं टिकेगा जी, तो फिर स्टैक कहेंगे, ये छोड़ेगा नहीं मोदी किसी को भी। लेकिन कांग्रेस तो बार बार इस पे सवाल उठा रही है और अन्य पार्टियां भी सवाल उठा रही है, तो आप क्या कहेंगे इस पे? कांग्रेस दे पल्ले कुछ नहीं जी, ना ही कोई उन्होंने कोई कोई है, यानी कि हो उनके को जवाब ही है नहीं कांग्रेस वाले को जी। जी, कोई मुद्दा नहीं है जी कांग्रेस के पास।
तो इसके अलावा कोई आपको ऐसा लगता हो कि इस क्षेत्र में इस तरह के काम होने चाहिए? काम बहुत अच्छे हुए हैं जी, बहुत ही अच्छे हुए हैं काम जी मोदी की वजह से। जी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, मतलब मोदी जी को मौका देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए जी। ठीक है, दे भी रहे हैं लोग, ये नहीं भी नहीं। तो गांव के अंदर किस तरह की राजनीति इस समय देखने को मिल रही है? मोदी मोदी हुए जी, हम तो यहाँ ही बैठते हैं, मोदी मोदी दिखता है। मोदी मोदी दिखता है, मोदी मोदी ही दिखता है। यहाँ आदमी 10 आदमी बैठे हैं, 20 में बैठे हैं, मोदी मोदी मोदी। तो मोदी जी ने अभी जो नोटबंदी करवाई थी और इसका कोई फैक्ट नहीं है? कोई फैक्ट नहीं है जी, बढ़िया पैसा आया है, बढ़िया पैसा लग गया है, डैम बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। आप जमींदार हैं? मैं हाँ जी जमींदार हूँ। तो एक बात बताइए, जो इस समय सरकार ने 6,000 रुपये प्रति किसान जो 2.5 एकड़ तक की जमीन के हैं उनको देने की, 5 एकड़ तक की उनको जो ये घोषणा की थी, क्या लगता है किसानों को कुछ राहत मिलेगी इससे? बिल्कुल मिलेगी, पैसे आ भी गए हैं। अच्छा जी, आधे जमींदारों के पैसे आ चुके हैं जी, आ गए। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है जी, बहुत बढ़िया वादा किया जी। जी शुक्रिया। हाँ जी, क्या नाम है जी? कश्मीर चंद जी। कश्मीर चंद जी, इस समय लोकसभा चुनाव की जो डेट फाइनल हो चुकी है, किस तरह का आप एमपी देखते हैं कि यहाँ क्षेत्र के अंदर काम, किस तरह के मुद्दे हैं आपके जिनको लेकर के आप वोट करेंगे और किस तरह का एमपी होना चाहिए यहाँ पे? देखो जी, सरकारें पहले भी देखी हैं जी, इस बार जो भाजपा सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही है जी, हरियाणा सरकार ने बहुत बढ़िया काम कराया जी इस बार जी, कोई पक्षपात नहीं कराया, कोई भेदभाव नहीं कराया किसी एरिया के साथ भी जी। मुख्यमंत्री जी खट्टर जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देखिए, बार बार विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जो चुनाव को देखते हुए अभी जो एयर स्ट्राइक हुआ था, बार बार विपक्ष के लोग भी और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि ये चुनाव को देखते हुए करवाया, इस पर आप क्या कह रहे हैं? देखो जी, मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना तो आज तक आया जी, ना ही आगे आएगा जहाँ तक हमारी सोच है जी। ये तो एक मोदी का ही वो कहते हैं ना, इतना कालेजा था जो उसने ये काम कर दिया जी, ये चुनाव का मतलब नहीं था, इतनी बड़ी घटना हुई अपने देश में, अपने इतने जवान शहीद हुए हैं जी, तो इसका जवाब देना तो बहुत जरूरी था और मोदी जी ने डट के दिया है। बिल्कुल, और इस पे हम बहुत खुश हैं जी, और भी देना चाहिए जी। ये तो अब कांग्रेस की मिट्टी खराब हो रही है, कांग्रेस को दिख रहा है कि हमारी अब सफाया हो रहा है बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस में भी तो ऐसे काफी नेता हुए हैं जिन्होंने काम बड़े अच्छे करवाए हैं, तो उनके मुकाबले जैसे आपको कहा जाए कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में चुनाव करें, तो आप राहुल गांधी को चुनाव क्यों, राहुल गांधी का क्यों चुनाव नहीं करेंगे? नहीं, राहुल गांधी की सोच अभी बच्चों वाली है जी। अभी राहुल गांधी वो नेता तो बन गया, बाकी अभी सोच नहीं है उसकी देश चलाने वाली। तो राहुल गांधी के विकल्प के तौर पे आप इनको लेकर के आए हैं प्रियंका गांधी को, तो क्या लगता है? प्रियंका गांधी आ जाए चाहे कोई आ जाए, इस बार तो मोदी को रोक नहीं सकता कोई भी जी, इस बार तो बिल्कुल डट के मोदी जी के साथ खड़े हैं और उसी को सपोर्ट करेंगे, उसी को ही वोट करेंगे। गांव के अंदर किस तरह का माहौल बना? गांव के अंदर बिल्कुल इस टाइम सारी पार्टियां ही साफ हो रही हैं जी, बीजेपी मोदी चल रहा है जी बस। तो आप क्या बीजेपी के शुरू से साथ हैं या? जी, हम पहले इनेलो के साथ थे जी, जब से हमने वोट संभाला है हमारे बड़े बुजुर्ग भी इनेलो के साथ ही थे। अच्छा, चलो इसी में आप एक बात बताइए कि इनेलो का इस समय क्या लग रहा है आपको, इनेलो पार्टी का? इनेलो जो कहते हैं ना, बाप बिना बच्चों का कोई वो सिस्टम नहीं रहता जी। चौटाला साहब थे, पार्टी बहुत बढ़िया चल रही थी, अब उनका आपस में सारा सिस्टम ही बिखर गया जी, अब तो पार्टी में दम रहा नहीं, अब सब लोग जानते हैं आजकल सियाड़ी है जी। तो बिखराव जो पार्टी के अंदर आया है उसका असर पड़ा है पार्टी के? बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा पड़ा है। क्या नाम है जी? सर मेरा नाम वीरेंद्र कंबोज है। वीरेंद्र जी, इस समय लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है और लोग अब मतलब आपके आसपास के किस तरह के मुद्दे हैं जिनको देखते हुए लोग वोट करेंगे? जी सर, हमारे गांव में जैसे कि मेन गांव को छोड़ो, जैसे सिरसा सिटी को लगा लो जी, सिरसा सिटी में पूरे हरियाणा में मुख्यमंत्री साहब श्री मनोहर लाल जी खट्टर इस समय इतने काम करवा चुके हैं कि इनका कोई अंत ही नहीं है जी। दूसरी बात, भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी
उनका तो कोई मान लो कोई सरकार भी आज तक कोई बराबरी नहीं कर सकती। क्यों नहीं बराबरी कर सकती? क्योंकि पिछले दिन आप लोगों को पता ही होगा जैसे कि इतनी बड़ी दुर्घटना होगी अपने भारत में जी। उस दुर्घटना को लेकर इतना बड़ा कदम उठाया मोदी जी ने जी जी। इस बात को लेकर भी आगे क्या लगता है मोदी जी को एक मौका मिलना चाहिए? जी बिल्कुल सर, मैं और मेरा परिवार और मेरा लगभग पूरा गांव नरेंद्र मोदी जी के साथ है जी। जी। तो विपक्ष बार बार ये सवाल उठा रहा है, हालांकि देखिए जो राहुल गांधी है वो एक युवा नेता है, तो क्यों ना राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। क्या कारण है, क्या किस तरह से? कारण तो मान के चलो जी, अब जैसे कुछ लोग हैं मोदी जी के साथ भी है इनके, कुछ लोग हैं इनके विपक्ष में भी बैठे हैं, कोई मान लो टोका टोकी इनकी चलती रहती है, बट ये जो नरेंद्र मोदी जी ने विदेशों में अपने भारत देश का नाम चमकाया और आज तक जो भी जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं किसी ने भी आज तक भारत का नाम रोशन नहीं किया जितना आज नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और रही बात राहुल गांधी जी की, उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो आगे 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 भारत सरकार चला सकते हैं जी। क्योंकि उन्होंने आगे इनके बच्चों की तरह इनका वो है सिस्टम सारा। तो प्रियंका गांधी जो है उनके क्या लगता है, प्रियंका गांधी राहुल गांधी की जगह अगर लेती है तो वो कुछ कर सकती हैं? नहीं बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी मतलब कुछ नहीं कर सकती जी। नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। कहीं ऐसा तो नहीं है आप जो मोदी भगत हो? नहीं, मोदी भगत नहीं है, पहले IIRD के साथ थे जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो इनेलो से BJP में क्या कारण रहा कि आपको आना हो? बस जी, वो कहते हैं ना, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है जी।